वेलकम बैक टू आवर चैनल डेंटल मेस्ट्रो। तो आज का हमारा टॉपिक है हेलिटोसिस, बेड ब्रेथ, माल ऑर्डर। ठीक है, तो ये सब क्या है? जनरली क्लिनिक पे या नॉर्मली पेशेंट्स, मतलब कोई भी जना कहता ही है कि मुंह से बदबू आ रही है, मुंह से बदबू आ रही है, इसका क्या ट्रीटमेंट है, मैंने तो अच्छे से ब्रश किया है, मैं रोज ब्रश कर रही हूँ या कर रहा हूँ तब भी बदबू आती रहती है, मैंने तो कुछ ऐसा खाया भी नहीं है, पर क्यों? तो इसका रीजन मैं इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। प्लीज अच्छे से ध्यान से सुनिए इस वीडियो को और अपनी परेशानी को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात तो हमें ये सोचना होगा कि जो बदबू है वो रोजाना आती है या फिर कुछ खाया उसके बाद आई है। तो हमें इस चीज को थोड़ा ध्यान से सोचना होगा कि अभी मैंने अनियन खाई फिर बदबू आ रही है, वो एक अलग बात है, लेकिन अब ये देखा कि डेली ही बहुत गंदी स्मेल आती है तो वो क्या रीजन हो सकते हैं उसके। तो बेसिकली हेलिटोसिस या बेड ब्रेथ क्या है? इट इज अ अनप्लेजेंट ऑर्डर एक्सहेल्ड इन ब्रीथिंग। जब हम सांस ले रहे हैं फिर हमारे आसपास कोई बैठा है तो उसको फील हो रहा है कि इसके मुंह से स्मेल आ रही है, तो दैट इज हेलिटोसिस। ठीक है, बैड स्मेल यू कैन से। तो इसका एक अदर नेम और है फीटर ओरिस, वो मैं यहाँ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो बच्चे शॉर्ट नोट के तौर पे इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो उनको पता होना चाहिए कि फीटर ओरिस भी इसका अदर नेम है, क्योंकि एग्जाम में बहुत ही अजीब से नाम देके पूछा जाता है, राइट ए नोट ऑन फीटर ओरिस। तो वो सोच रहे हैं अरे हमने हेलिटोसिस तो पढ़ा था लेकिन फीटर ओरिस पता नहीं क्या है, तो ये इसी का ही दूसरा नाम है, तो आपको इसी के बारे में डिटेल लिखनी है। तो सबसे पहले मैंने ये बताया कि आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना कि एग्जैक्ट जो अभी स्मेल आ रही है वो उसको हेलिटोसिस बोल रहे हैं या फिर हर रोज आती है, तो सोल्यूशन उसके अकॉर्डिंग ही होगा। ठीक है, बहुत बार क्या होता है आप सुबह सोकर उठे मुंह से स्मेल आ रही है, ठीक है, तो आपने सोचा अरे मुझे तो बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, डॉक्टर को दिखाना है। तो बहुत सारी परेशानियाँ ऐसी हैं जो हमें पहले खुद डायग्नोज करनी है कि एग्जैक्टली है क्या और हम इसका क्या सोल्यूशन कर सकते हैं। तो क्या होता है, रात को हम सो गए तो डिक्रीज सलाइवा, तो हमारा फ्लो है उसका वो कम फ्लो करता है, तो उसकी वजह से जब तक बैक्टीरिया को बहुत अच्छा सा समय मिल जाता है इन्फेक्शन कॉज करने का, जितना आपके मुँह में खाना रह गया उसको खराब करने का, तो उसकी वजह से स्मेल आती है। ठीक है, तो सुबह जब हम सो के उठते हैं तो थोड़ी मुंह में स्मेल ज़्यादा आती है। बेसिकली क्यों आती है, उसमें क्या होता है, हमारे वोलेटाइल सल्फर कंपाउंड्स होते हैं जो कि ये स्मेल का कॉज होते हैं। ठीक है, उसमें ना रॉटन एग जैसी स्मेल आती है। तो मैं इसको कैटेगराइज करूँगी कि क्या क्या रीजन्स हैं, क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं, क्या नहीं, फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल, एक नॉर्मल सा हो रहा है या फिर कोई बीमारी है या बीमारी से रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले फिजियोलॉजिक, क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं, जिसको मुंह से सांस लेने की आदत है, मुंह सूखा सूखा रहता है, ठीक है, कोई मेडिकेशन चल रही है उसकी वजह से, या फिर डेंटल हाइजीन आपकी सही नहीं है, खाना रुक रहा है, ठीक है, फास्टिंग आप ज़्यादा करते हो, टोबैको च्यूअर जो होते हैं, या फिर कोई अनियन, जिंजर, गार्लिक ऐसा कोई फूड लिया हुआ है, या फिर एल्कोहल, जो एल्कोहलिक्स होते हैं उनके मुँह से भी बहुत स्मेल आती है ना, और स्मोकिंग तो बहुत ही बेकार चीज़ है लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। तो रहे सारे हमारे फिजियोलॉजिक, इसमें बेसिकली कोई बीमारी नहीं है, इसको हम खुद ही सही कर सकते हैं, है ना। पैथोलॉजिक में क्या है कि या तो मुंह के अंदर से कोई प्रॉब्लम है या फिर एक्स्ट्रा ओरली, ठीक है, तो मुंह के अंदर से क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि आपके जो दांत हैं टेढ़े मेढ़े हैं, क्राउडिंग है या कुछ भी है, ठीक है, वहाँ पे खाना फंस रहा है, रुक रहा है, साफ नहीं हो पा रहा है, या फिर इंटरडेंटल स्पेसेस हैं वहाँ पे खाना घुस रहा है, रुक रहा है, तो वहाँ पे खाना सड़ रहा है एक तरीके से, तो उसकी वजह से भी स्मेल आती है। या फिर वहाँ पर मसूड़ों, दांत और मसूड़ों के बीच में पेरिनोटल इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, वहाँ पर खाना घुस रहा है अंदर, तो सब जिंजाइवल इन्फेक्शन हो रखा है, या फिर एनक हो गया है, ठीक है, या फिर मुँह सूखा सूखा रहता है, या जीभ पर एक टंग कोटिंग बन गई है, मुँह में छाले हैं, या फिर डेंचर को लोग साफ करके नहीं पहन रहे हैं रेगुलर, उसकी क्लीनिंग नहीं हो रही है, या फिर रेस्टोरेशन फॉल्टी है, वहाँ टूट गई है, वहाँ खाना घुस रहा है, या फिर कोई एब्सेस बन गई है, ओरल कैंसर, कैंडिडियासिस, बहुत सारे रीजंस मैंने आपको बताए, ये सारे इंट्रा ओरल रीजंस हुए। अब एक्स्ट्रा ओरल में क्या हो सकता है, कोई नेजल इन्फेक्शन है, साइनोसाइटिस के केस में भी हमारे मुँह से स्मेल आती है, ठीक है, राइनाइटिस, नोज बह रही है, ठीक है, GERD जो है हमारे, हमको एसिडिटी रहती है, हमारा पेट डिस्टर्ब रहता है, पल्मोनरी इन्फेक्शंस जिसमें ब्रोंकाइटिस आ जाता है आपका, ट्यूबरक्लोसिस आ जाता है, या फिर पल्मोनरी कैंसर आ जाता है, इन सब रीजन में भी मुंह से स्मेल आती है। और हम सोच रहे हैं कि सिर्फ मुंह की स्मेल मुंह से ही रिलेटेड है, हमारी फुल बॉडी से, इसकी फिजियोलॉजी से
रिलेटेड होती है, ठीक है। हार्मोनल चेंजेस है, नई नई शादी हुई है उस टाइम पे हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, मेंस्ट्रुअल के टाइम पे, मेनोपॉज के टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे, इन सब टाइम पे वुमेन स्मेल आने के बहुत बहुत चांसेस होते हैं क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ठीक है। कोई सिस्टमिक डिसीज है जैसे डायबिटीज है या फिर रीनल फेलियर या फिर हिपैटिक फेलियर मतलब लिवर फेलियर, डिहाइड्रेशन हो गया है या फिर लिवर की सिरोसिस, ये सब केसेस में बहुत स्मेल आती है। या कोई मेडिकेशन चल रहा है जिसमें मेट्रिनाडोल आपको सॉल्ट दिया हुआ है तो उसमें भी उसे स्मेल आती है, क्या होता है उसका मेटालिक टेस्ट हो जाता है तो पेशेंट को ये फील होता है कि हमारे मुंह से स्मेल आ रही है, ठीक है। या फिर किसी मेडिकेशन में आर्सेनिक की कॉम्पोजिशन है तो आर्सेनिक से भी स्मेल आती है, या फिर यूकेलिप्टस, ठीक है। तो अब हमें ये सब चीज़ें पता कैसे चलेंगी कि इस चीज़ को हमें इस चीज़ से रिलेटेड करना है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये सब कॉजेज हो सकते हैं, है ना। तो पहले यदि आप किसी डेंटिस्ट को या किसी भी डॉक्टर को दिखाने गए तो डॉक्टर पहले क्या करता है, पूरी आपकी मेडिकल हिस्ट्री लेता है, आपकी कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, क्या क्या आपके शेड्यूल्स हैं, कैसे आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ये पता करने के लिए कि आपकी मुँह की जो स्मेल है उसके कारण क्या है। तो इंट्रा ओरली हम ये चेक कर सकते हैं कि कोई टंग कोटिंग तो नहीं है, या फिर वहाँ पर मुंह सूखा तो नहीं रहता है, या फिर कोई और दिक्कत है, तो सारी चीज़ें कंप्लीट एग्जामिनेशन होता है उसका, ठीक है। अब ये चीज़ें तो वही आपके डॉक्टर के पास जाने के बाद खुद आप कैसे सेल्फ टेस्ट कर सकते हो, या तो आप ये कर सकते हो कि एक स्पून लिया उससे आपने टंग की कोटिंग को थोड़ा एब्रेड किया और 10 सेकेंड ऐसे रखा, फिर दोबारा से स्मेल किया, वो स्मेल आ रही है यानी कि वो आपको हेलिटोसिस की प्रॉब्लम है। या फिर कोई टूथपिक लिया आपने दांतों के बीच में डाली फिर उसको निकाल के एक बार स्मेल करके देखिए, यदि स्मेल आ रही है तो वो आपको हेरिटोसिस की कंप्लेन है। या फिर एक थोड़ा छोटा सा बाउल लिया, कोई स्पून लिया उसमें स्पिट करके फिर उसको स्मेल करके देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि ये हाँ आपके ही मुंह से स्मेल आ रही है। या फिर आपने अपनी रिस्ट पर हल्का सा लिक किया फिर 5 सेकेंड्स के लिए छोड़ा फिर दोबारा उसको स्मेल किया तो उससे भी पता चल जाती है, ठीक है। तो अब इसको इसके ये सारे तो हमारे तरीके हो गए कि हमें पता कैसे चलेगी, हम सेल्फ टेस्ट कैसे करते हैं, या फिर अब ये तो सारी हमारी है कि खुद से हम कैसे बिना कुछ और किए अब हम किसी डेंटिस्ट के पास गए या फिर ओरल सर्जन के पास गए या फिर किसी डॉक्टर के पास गए तो वो और भी सारी आपकी पूरी हिस्ट्री लेगा, सारा टेस्ट करेगा। तो इसको टेस्ट करने के लिए और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, गैस क्रोमेटोग्राफी है जो कि हमारे वोलेटाइल सल्फर कंपाउंड्स जो होते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड, मिथाइल मरकैप्टन, डाइमिथाइल सल्फाइड, ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली हेलिटोसिस के पॉजिटिव एजेंट्स, ठीक है। तो ये गैस क्रोमेटोग्राफी जो है वो इन सबको अच्छे से डायग्नोस कर लेती है और फिर आपको पता चल जाता है कि ये आपकी जो बेड ब्रेथ है उसके अंदर ये कंपोनेंट्स प्रेजेंट है तो यानी कि हेलिटोसिस हो रही है। हेलीमीटर्स आते हैं जो कि हमारी सल्फाइड गैस जो है उसको मीजर कर लेते हैं जो कि पर्सन एग्जेल कर रहा है। बाना टेस्ट होता है, बाना टेस्ट क्या होता है, एंड बेंजोइल डीएल आर्जिनिन टू नैप्थेलेनामाइड, ठीक है, कैमिल्यूनिसेंस, ठीक है। ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट क्या है इसका, या तो बहुत सारे जो फैक्टर्स हमने जैसे अनियन ज़्यादा खा रहे हैं तो अनियन का इंटेक थोड़ा कम करके देख सकते हैं कि इससे हमें कुछ बेनिफिट मिल रहा है या नहीं, ठीक है। पहले तो हमें यही देखना होगा कि रीज़न क्या है, मोमेंटरली है या फिर हमेशा या फिर क्रोनिक है, मतलब होता ही रहता है, उसके अकॉर्डिंग हमारा ट्रीटमेंट होगा। ओरल हाइजीन मेंटेन रखनी है, प्रॉपर ब्रशिंग करनी है, फ्लॉसिंग करनी है, माउथ वॉश यूज़ करना है, टंग कोटिंग, जो टंग पर कोटिंग हो जाती है तो हमें टंग क्लीनर्स बहुत मार्केट में अच्छे अवेलेबल है उनको यूज़ करना चाहिए, उसे टंग कोटिंग को प्रॉपर रिमूव करना चाहिए। च्युइंगम च्यू करनी चाहिए क्योंकि च्युइंगम क्या है, वो हमारा सलाइवरी सिक्रेशन को बढ़ाता है, तो च्युइंगम हमें क्योंकि सलाइवरी सिक्रेशन कम है, मतलब सलाइवा हमारे मुँह के अंदर जो थूक बन रहा है वो कम है तो डेफिनेटली वहाँ पर बैड स्मेल की प्रॉब्लम होगी ही। माउथ वॉश यूज़ करना चाहिए, टूथपेस्ट अच्छा यूज़ करना चाहिए, ठीक है। बस किसी ने बता दिया कि नहीं ये यूज़ कर लो ऐसे नहीं, प्रॉपर आपको कोई दिक्कत है तो अपने डेंटिस्ट को दिखाइए, वही आपको रिकमेंड करेंगे आपको ये प्रॉब्लम है आपको ये करना चाहिए, ठीक है। कोई भी एक्स्ट्रा ओरली जो मैंने सारे इतने सारे कॉजेज बताए तो उन बीमारियों के लिए भी अपने डॉक्टर से मिलिए, वो सारी आपको हेल्प करेंगे बताने में कि आपको ये मेडिकेशन लो ये बीमारी सही होगी, ठीक है। खुद से कुछ अपने ट्रीटमेंट्स नहीं करने हैं, जो आप बस अपना चेक करिए ये प्रॉब्लम है, जो मैंने बताया कि ब्रश करना है, फ्लॉस करना है, ये सब आप खुद करेंगे, लेकिन मेडिकेशन खुद से नहीं करना चाहिए। पहले कंसल्ट करो, प्रॉपर मेडिकेशन लो, उसके हिसाब से ही होना चाहिए।
जहाँ पर आपको जरूरत लगती है कि हाँ बहुत ज्यादा जमा हो गया, तब आप डेंटिस्ट के पास गए तो डेंटिस्ट ने आपकी स्केलिंग कर दी, वहां से रिमूव कर दिया, ठीक है, सब जिंजाइबल क्यूरेटाज कर दिया, प्रॉपर अच्छे से मेंटेन कर दिया, तो वो सब डेंटिस्ट का पार्ट है। और या फिर एक दूसरा तरीका एक और है, पर वो टेम्परेरी रिलीफ है, मास्किंग द ऑर्डर, ठीक है, इलायची चबा ली, ठीक है, पिपरमेंट सुपारी थोड़ा मुंह में रख लिया, फिर स्पिट कर दिया, खानी नहीं है सुपारी, ठीक है। तो ऐसे करके आप टॉफीज वगैरह लोग पिपरमेंट वगैरह की ले लेते हैं, तो इससे थोड़ी देर आपको रिलीफ तो मिल जाएगा, लेकिन ये है कि इट इज़ नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन, तो गो फॉर द परमानेंट सोल्यूशन। होपफुली आपको मेरी वीडियो में बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। And please don't forget to like, subscribe and share, and also don't forget to press the bell icon. Bye bye.